जानकारी कृपया सार्वजनिक करें। कई लोगों ने ये कहा है कि ये जितनी भी हवाला के पैसों की खबरें आ रही हैं, चंदे में गड़बड़ी की बातें आ रही हैं, कैश में लेन देन की बातें आ रही हैं, इन सारी बातों का एक एक सच एक पल में सामने आ जाएगा अगर इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक हो जाए। सर, मैं कोई धरना नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। आपके घर के बाहर नहीं बैठ रहा, अपने यहाँ पर एक कोने में अकेला बैठूंगा। पर जब तक ये सारी जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। मुझे पता है कि आपको मेरे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई चिंता नहीं है। ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आज ये जानकारियां सामने नहीं आई तो कल और भी ज्यादा गलत काम होंगे। इन सबकी विदेश यात्राओं के डिटेल्स और इन यात्राओं में खर्च किया गया पैसा कहां से आया, कहां कहां गए, क्यों गए, क्या क्या किया और किसके पैसों से ये सब यात्राएं की गई। आपने तो हमेशा से कहा है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं हैं, फिर इन विदेश यात्राओं के पैसे कहां से आए। सर, मेरी बहुत छोटी सी मांग है, जरा सी। अगर कुछ छुपाने की बात नहीं है तो इस मांग को पूरा करने में केवल 5 मिनट लगेंगे। मुझे किसी ने कहा है कि ये जानकारियां सामने आने के बाद आपको जनता 1 सेकंड भी कुर्सी पर नहीं रहने देगी। ऐसा क्यों है? क्या राज छुपा है इन विदेश यात्राओं में? और हाँ, अब फिर से वही रटा रटाया बहाना नहीं चलेगा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं आज ही क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं पूछा। स्पष्ट जवाब चाहिए, कृपया बताएं। आपके जवाब का इंतजार, आपका कपिल मिश्रा। कपिल जी, आपका एक विदेश दौरे की यात्रा इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए आपको अनशन पे बैठना पड़े, क्या है उसमें, क्या जानकारी? सर, जो मेरे को समझ में आ रहा है, कि ये हवाला की जो बातें चल रही हैं, चंदे की गड़बड़ी की, गलत पैसे के इस्तेमाल की, कैश के लेन देन की, इन सारी बातों की सारी सच्चाई 1 सेकंड में देश के सामने आ जाएगी अगर इनके विदेश यात्राओं के डिटेल मिल गए। अगर कुछ भी छुपाने को नहीं है तो ये डिटेल देना 1 मिनट का काम है, कोई देरी का काम है ही नहीं। केवल इतना ही तो पूछ रहा हूँ, आपका इस्तीफा नहीं मांग रहा, कोई राजनीतिक मांग नहीं कर रहा, कोई आप कुर्सी से उतर जाओ नहीं कह रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि मेरे को किसी ने कहा है कि जिस सेकंड इनकी विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए उसके बाद जनता अपने आप इनको कुर्सी से उतार देगी। यात्राएं करवाई जा रही है क्या, क्या पार्टी नेतृत्व? अभी तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारी यात्राएं अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर ही की गई हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 5 लोग हैं, इन 5ों ने पिछले 2 सालों में कितने दिन विदेशों में बिताए, कौन कौन से देश में गए, वहां पर क्यों गए, क्या किया और किसके पैसों से गए, निजी सरकारी दोनों का हिसाब किताब देना होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार चलाने के लिए, मंत्रालय चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी 2 साल से मंत्री हूँ, अकेला मंत्री हूँ, एक भी विदेश यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और काम जिस दिन परफॉर्मेंस आपकी और हमारी तुलना की जाएगी उस दिन उसकी भी तुलना करनी है। आपका मैसेज आया था धमकी वाली, मैसेज दिखा सकते कौन था वो, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मेरे पास कॉल आई और उसके बाद धमकी आई, गोली मारने की धमकी दी है। लेकिन मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें तो होनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की आप? कोई शिकायत क्यों नहीं की? नंबर है, नंबर आपको बता दिया। ये इस प्रकार, देखिए, कुछ लोग अंधभक्त है, उन लोगों को इस प्रकार की धमकियां देनी आती हैं। और अब तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का डिटेल मांगे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस प्रकार की धमकियां आए, कुछ लोगों को परेशानी हो, ये स्वाभाविक है, मेरे में कोई डर नहीं है। सीरियस तो ये है सर कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सबके सामने खुले में बैठा हूँ, जिसको आना है मार के चला जाए। बिल्कुल उसी से संबंध है, मेरे को व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारी गाली गलौज और तरह तरह की भाषा भिजवाई जा रही है। सर, इतनी ज्यादा व्हाट्सएप पे और बाकी जगह पे संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि बहुत अलग अलग नंबर से भी कॉल है, लेकिन कोई शक की जरूरत नहीं है। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। मेरे को नहीं मालूम कौन करवा रहा है, लेकिन विदेश यात्राओं के डिटेल मैंने मांगे हैं और विदेशों से ही फोन आने शुरू हो गए हैं। ये कपिल मिश्रा कह रहे थे।
सुन रहे थे केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई और कुछ उन्हीं के अंदाज में अब जवाब देने के लिए मैदान में उतरे हैं। साथ ही कहा कि इंटरनेशनल नंबर से धमकी मिली है, आज से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, सिर्फ 5 बैठ रहे हैं और सिर्फ पानी लेंगे। 5 साल पहले कुछ इसी तरीके से केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल की थी और सिविल लाइन से स्थित अपने घर पर कपिल मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी से भूख हड़ताल की शुरूआत की। कल ही जब कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीबीआई दफ्तर से वो बाहर निकले थे, जब विदेश यात्राओं के बारे में जिक्र किया था, उसमें हुए धांधली के बारे में बताया था, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर इस पर जल्द जवाब नहीं दिया जाता है तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और आज अब मीडिया से बात करने के बाद गांधी जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ पानी पियेंगे। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे कपिल मिश्रा के सिविल लाइन से स्थित जो घर है, उस घर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि वो कोई केजरीवाल के घर के सामने भूख हड़ताल नहीं करने जा रहे, किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं बैठने जा रहे, अपने घर के कोने पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, सिर्फ पानी लेंगे। गांधी जी की तस्वीर है और उस तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। इससे पहले जो मीडिया को संबोधित करते हुए जो बड़ी बातें कही कि उन्हें धमकी दी गई, लेकिन इस तरह की धमकियों का उन्हें डर नहीं, क्योंकि जिस मुहिम पर वो निकले हैं उस मुहिम में इस तरह की धमकियां जो है मिलनी कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के सनसनीखेज आरोप लगाए और साथ ही कहा क्योंकि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक आपके 5 नेताओं की विदेश यात्राओं की डिटेल नहीं दी जाती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर केजरीवाल चाहे तो 5 मिनट के अंदर ये डिटेल दे सकते हैं। और पुलकित नगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुलकित, 5 साल पहले केजरीवाल ने कुछ इसी अंदाज में भूख हड़ताल की थी, शुरुआत की थी अपने अनशन की, कुछ उसी तरीके का जवाब देने के लिए आप कपिल मिश्रा से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, हाँ अपने घर पर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, कुछ इसी तरीके से, मतलब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप अभी तक देखेंगे अरविंद केजरीवाल का ट्रैक या फिर उसके बाद में जितने भी नेता गए उन्होंने कुछ इसी तरीके से किया विरोध। कपिल मिश्रा को आप देख सकते हैं कुछ लिख रहे हैं और फोन में है। कपिल अगर देखें पिछले अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरीके का से अपनाया था, भूख हड़ताल की थी, विरोध किया था, उसके बाद में बिन्नी गए, योगेंद्र यादव गए, सब इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। अभी मैंने अपना बयान दिया है और 1 बजे दूसरा बयान दूंगा। अनशन पर तो मैं बैठ गया हूँ, जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक उठूंगा नहीं। ये विदेशी यात्राओं का जो आप डिटेल मांग रहे हैं, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी बाहर निकल कर आएगी जिससे फर्क पड़ेगा सरकार? मेरे को तो ये बताया गया है कि इस एक इन्फॉर्मेशन के बाहर आने के बाद जनता अरविंद जी को 1 सेकंड भी कुर्सी पर रहने नहीं देगी, इतने ज्यादा खतरनाक डिटेल्स हैं इन यात्राओं के। नहीं, क्या है इसके अंदर की जनता एकदम डिटेल? अब तो अगर उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो बहुत छोटी सी मांग करिए, कोई बड़ी मांग तो नहीं, करी नहीं मैंने। आप इतने साल मंत्री थे तो आपने उस समय आपको डिटेल नहीं पता चली या कि जो मैं परसों शाम को कुछ लोगों ने बताया है कि बहुत सारी विदेश यात्राएं की गई, मेरी जानकारी में कोई विदेश यात्रा नहीं थी इससे पहले, और ये छुपाकर की गई है यात्राएं। चलिए, कपिल थे जो बता रहे थे कि कुछ यात्राएं छुपाकर की गई है और ये भी दावा कर रहे थे कि अगर ये डिटेल बाहर आ जाती है तो जनता अपना विश्वास अरविंद केजरीवाल के प्रति खो देगी, दावा कपिल मिश्रा कर रहे थे। ठीक है, तो और कौन कौन लोग हैं वहां पर? अभी कोई लोग नहीं है, आप देख सकते हैं कपिल अकेले हैं और उनके साथ कुछ उनके 2-4 समर्थक हैं, तो अभी तो कोई ऐसा लोग पहुंचे नहीं है जो समर्थक हैं, लेकिन यह है कि घर के ही 1-2 लोग जो कपिल के साथ हमेशा दिखाई देते हैं सिर्फ वही लोग हैं। और अभी अनशन शुरू हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल आएगा कितने लोग, कितनी जनता इस अनशन में उनका समर्थन करती है। जी चलिए पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। कपिल मिश्रा ने भूख हड़ताल शुरू की है, उन्होंने कहा कि यह सत्याग्रह है और सत्याग्रह सच्चाई के लिए है, सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। आपके 5 नेताओं की विदेश यात्राओं की डिटेल